तो गाइस माइनक्राफ्ट का बीटा वर्जन के लिए आ चुका है वाइल्ड अपडेट पूरा 1.18 अपडेट। तो आज आप देखने वाले हैं इस अपडेट में क्या क्या है। इस अपडेट में अगर आप वर्ल्ड बनाते हो तो आपको एक अलग इंटरफेस मिलेगा जिसमें सारी सेटिंग्स है, बस आपको इंटरफेस जो की है अलग मिलेगा। तो अभी हम एक वर्ल्ड बनाते हैं और आपको सारे फीचर्स बताते हैं। सारे फीचर बताने से पहले ये देखिए, हमें एक विलेज मिली है जिसके बिल्कुल अंदर ही विलेजर आउटपोस्ट है, लगता है ये दोनों भाई भाई हैं। तो अब आपको टच सेटिंग में एक और ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक है क्लासिक और एक है क्रॉस हेयर और एक है टच कंट्रोल। तो इसमें से मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। क्लासिक तो नॉर्मल है और टच वाला अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। टच वाले में आपको एक जॉयस्टिक मिल जाती है, एक रन का बटन मिल जाता है, एक जंप का बटन मिल जाता है और एक सिट और स्टैंड का बटन मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं क्रॉस हेयर सेटिंग की। इसमें आपको एक स्प्लिट कंट्रोल मिलता है और सारे बटन मिलते हैं, बस दो बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक होता है ब्लॉक प्लेस का बटन जो मैं अभी दबा रहा हूँ, एक होता है ब्लॉक ब्रेक का बटन और किल करने का बटन जो मैं अब दबा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो जॉयस्टिक को इनविजिबल भी कर सकते हो इसको बंद करके। तो आपको पता ही होगा पिछले मॉक वोट में एले जीती थी और इस अपडेट में भी एले आ चुकी है। इसको मैं आपको एक बार स्पॉन करा के दिखा देता हूँ जो कि कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं इसको कोई भी सामान दूंगा तो ये आसपास उस सामान को ढूंढ के मुझे वापस दे देगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डायमंड फेंक रहा हूँ, फिर एक एले को मैंने डायमंड दे दिए हैं, अभी वही डायमंड मेरे को उठा के मेरी तरफ ले आएगी। सिर्फ नए मॉब वोट के नहीं, पुराने मॉब वोट के भी काफी जानवर आए हैं, तो उनमें से दो जानवर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जानवर है फ्रॉग, इसे आप जैसी वायर में स्पॉन करोगे उसी तरीके से ये अलग अलग स्पॉन होंगे। और अगली चीज है फ्रॉग के अंडे जिसको आप पानी में स्पॉन करा सकते हो। उसके बाद है टैडपोल्स जो कि अंडे में से ही बाहर आते हैं और फ्रॉग के बच्चे हैं, इन्हें आप बकेट में भी ले सकते हैं। मैंने एक बकेट में लेके आपको दिखा दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे तीन कलर के ब्लॉक्स भी ऐड हुए हैं, पहला है ग्रीन, दूसरा है ऑरेंज और तीसरा है पर्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनमें से शायद लाइट भी निकलती है, सुबह को अभी दिख नहीं रही है। और अगर आप इन्हें हाथ से तोड़ेंगे तो ये मिलते नहीं है। उसके बाद अगला ब्लॉक है स्कल कैटलिस्ट। अगर इसके पास आप कोई भी हॉस्टाइल मॉब को मारते हो तो आपको दो तरीके के ब्लॉक मिलते हैं जिनमें से इस एक ब्लॉक में से एक्सपी भी निकलता है, यह देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है स्कल सेंसर, अगर इसके पास कोई आवाज होती है तो ये सेंस कर लेता है और रेडस्टोन का सिग्नल भी छोड़ता है। उसके बाद आता है स्कल शुरिकिन, अगर इसके पास कोई आवाज करता है तो ये उसको डार्कनेस का इफेक्ट देती है जिसकी वजह से आसपास अंधेरा छा जाता है कुछ इस तरीके से। तो यही थे जो सब फीचर्स और अपडेट जो 1.18 वर्ल्ड अपडेट में ऐड हुए थे, तो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।